पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन के स्थापना दिवस के मौके पर शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सैनिक कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी मौजूद थे। उत्तराखंड पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन दिवस का 29वां स्थापना दिवस बनियावाल हिलोरी वाटिका में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के सैनिक कल्याण और कृषि मंत्री गणेश जोशी और विशेष अतिथि डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला थे। इस कार्यक्रम में तमाम सैनिकों के परिवार मौजूद रहे। मुख्य अतिथि गणेश जोशी ने शहीदों के परिवारों को और क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। किसी हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य, और भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, हम पूरी ईमानदारी से इस काम को कर रहे हैं। हम शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में बना रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो देश की सीमा पर हमारा जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने गारंटी अवार्डी पुरस्कार राशियों को गुना बढ़ा दिया है, हमने डेकोरेशन पदक की पुरस्कार राशियों को गुना बढ़ा दिया है, और सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि आज हम अगर सुरक्षित हैं तो हमारे ये सैनिक मानस डिग्री पर देश की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मैं आज इस संगठन के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, विशेषकर कमल भंडारी जी को जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।